हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ गोभी के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो स्नैक के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड लेस इंग्रेडिएंट में आप इजीली इसको बना सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो सारे आपके किचन में अवेलेबल होंगे, उन्हीं को यूज़ करते हुए ईजिली आप इसको बना पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये गोभी ली है, जिसे इस तरीके से कट कर लिया है, और ये बेसन, ये रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट है, ये गरम मसाला, थोड़ा सा हींग लिया है, क्यूमिन है जिसको रोस्ट करके डाला है, ये थोड़ा कोरिएंडर पाउडर है, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा थोड़ा वाटर डालते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इस वाले मिक्सचर को, और यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा राइस फ्लोर या चावल का आटा भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ये टर्मरिक या हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक दिस, इस तरीके की होनी चाहिए, और इस तरीके से फिर इसको डिप कर लेंगे इसमें और डालेंगे फ्राई होने के लिए। चावल के आटे से क्रंचीनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको मीडियम फ्लेम में पे करना है फ्राई। इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको। बहुत जल्दी बन जाता है, आप ट्राई करके देखिए, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तरीके से, और जब ये गोल्डन ब्राउन होंगे तब हम इसको निकाल के टिश्यू पेपर पे रख लेंगे, और उसको जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको वाइप ऑफ कर देंगे। इस तरीके से सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे। लीजिए, आपके गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े बनके तैयार हैं। स्नैक के टाइम पे आप इसको बनाइए, ईज़िली बना लेंगे आप, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और टेस्ट एकदम सुपर्ब है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।